जमाना काफी खराब हो चला है। पैसों के लिए आदमी कुछ भी कर गुजरने आमदा है। कल अमरावती जिले के परतवाड़ा नगरी में भी ऑनलाइन पैसे हेटने का एक किस्सा सामने आया है। खबर के मुताबिक परतवाड़ा के सिविल लाइन परिसर में क्षेत्र के सुविख्यात रेणुका भोजनालय चलाने वाले अजय खेड़ेकर को किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। उस व्यक्ति ने आगामी 7 दिन 20 लोगों के खाने की बातचीत खेड़कर से की और पेमेंट ऑनलाइन कर देता हूँ ऐसे कहा। खेड़कर ने रूबरू मिलकर एडवांस जमा करा देने के बाद खाना देने की बात कही। कुछ देर बाद फिर उसी व्यक्ति का फोन खेड़कर को आया। उसने खेड़कर से कहा, मैं तुम्हारे घर आया था पर तुम्हारे घर आरती शुरू थी, क्योंकि खेड़कर के निवास स्थान पर प्रतिवर्ष महालक्ष्मी पूजन होता है। आरती शुरू होने की वजह से मैं वहां से चला आया। मुझे तुम्हारे खाते में पैसे ट्रांसफर कराना है, इसलिए मुझे तुम्हारे एटीएम कार्ड का फोटो व्हाट्सएप करो ऐसे कहा। खेड़कर ने बताया कि मैंने एटीएम कार्ड का फोटो सेंड किया। तुरंत उसने मुझे कार्ड के दूसरे साइड का भी फोटो मांगा, वह भी मैंने उसे सेंड कर दिया। इस बात के कुछ देर बाद मेरे खाते में 500 रुपए डेबिट होने का मुझे मैसेज आया। मैं तुरंत समझ गया और मैंने मेरा एटीएम डेबिट कार्ड ब्लॉक कर दिया। दरअसल पैसे लेन देन प्रक्रिया का एक हिस्सा इतना ही नहीं था। उस व्यक्ति ने खुद को एक आर्मी ऑफिसर बताते हुए परतवाड़ा में एक कार्यक्रम के लिए आने की बात खेड़कर से कही थी। एटीएम कार्ड की फोटो सेंड करने के दौरान खेड़कर से 4 बार उस व्यक्ति ने ओटीपी नंबर भी मांगा था और पैसे ट्रांसफर करने के लिए खाते में 5,000 की रकम से ज्यादा होने की बात कही थी। हालांकि इस प्रक्रिया को लेकर खेड़कर के मन में शक जरूर पैदा हो रहा था, मगर घर में चल रहे महालक्ष्मी के 3 दिवसीय पर्व की तैयारियों में व्यस्त खेड़कर ने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो तो अच्छा हुआ खेड़कर के खाते में 1,000 से ज्यादा की रकम नहीं थी, नहीं तो आज परतवाड़ा में ऑनलाइन ढंगी का हाई प्रोफाइल किस्सा घटित हो जाता। वैसे धोखाधड़ी करने वाले बहुत शातिर नजर आते हैं, जिन्हें ऑनलाइन पैसे लेन देन करने वाली प्रक्रिया का ज्ञान नहीं होता। ऐसे लोगों पर नजर रख और जानकारी निकाल कर उनको फंसाए जाने का फांसा बड़े शातिर दिमाग से फेंका जाता है। काल 13 तारखेला एक मिलिट्री ऑफिसर चा फोन आला। त्यांनी मला जेवणाची ऑर्डर दिली, 20 लोकांचं जेवणाचं 7 दिवसांसाठी। त्यांनी माझ्यासोबत जसं करार केला की बा 7 दिवस आम्ही तुम्हाला जसं 7 दिवसाचे पैसे एक खट्टे देतो। त्यांनी मला जसं पैशाचं पेमेंट जे आहे हे ऑनलाईन करतो असे म्हणाले। तर मी त्यांना तसं पहिले नाही म्हटलं, तर मी त्यांना म्हटलं की बा तुम्ही जसं मला येऊन भेटा आणि त्यानंतर जर पहिले ॲडव्हान्स दिलात तर मी तुम्हाला जेवण देईन। तर ते म्हणाले ठीक आहे। तर थोड्या वेळानं अजून फोन आला मला, तर ते म्हणाले की बा मला मी तुमच्या घरी आलो होतो, पण तुमच्या घरी आरती चालू आहे त्यामुळं मी तिथून चाललो गेलो। तर त्यांनी माझ्या बोर्डावरचा नंबर घेतला, नंबर घेऊन मला नंतर थोड्या वेळाने कॉल केला की बा मला तुमच्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर करायचे आहे, तुम्ही मला तुमचा ATM कार्डाचा फोटो पाठवा। तर मी त्यांना ATM कार्डाचा फोटो पाठवला, तर त्यांनी लगेच दुसरा फोटो मागितला, मागचा जो फोटो असतो दोन्ही साईडचा फोटो मागितला, तर मी त्यांना तो पण शेअर केला। तर थोड्या वेळाने माझ्या खात्यातून 500 रुपये डेबिट झाले, मला त्याचा मेसेज आला। तर मला लगेच लक्षात आल्यावर मी ते ATM खाते ब्लॉक केले। त्यानंतर त्याने मला म्हटलं की तुम्हाला एक OTP येईल, तो OTP नंबर मला तुम्ही शेअर करा। तर मी साध्यानं तो शेअर करून दिला। तर पहिला फेल झाला, दुसरा फेल झाला, असे 4 OTP त्याने माझ्याकडून असे शेअर केले। नंतर माझ्या लक्षात आलं की हा फ्रॉड कॉल आहे, म्हणून मी त्याला दुसरा OTP नंबर दिला नाही आणि पहिले माझे बॅलन्स चेक केले। जसा हा प्रकार आज माझ्यासोबत घडला तसाच हा भविष्यात कोणासोबत होऊ नये, त्यासाठी मी हा व्हिडिओ शेअर करत आहे। जयकुमार घिया के साथ पंकज साबू, विदर्भ न्यूज, परतवाड़ा।